एवरेजेस यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन है Uh, for practical purpose, the condensation of data set into a frequency distribution and the wear representation are not enough. मतलब जब हम data set बनाते हैं उसमें frequency होना और उसे किसी graph वगैरह के सूरत में show कर देना ही काफ़ी नहीं है और भी when two or more different data set are to be compared, जब दो या दो ज़्यादा डाटा सेट को कंपेयर किया जाता है और डाटा को समराइज़ किया जाता है सिंगल वैल्यू में तो वो वैल्यू सेंटर से कितनी से, इंटायर डाटा को कितना पर्सन पर वो शो कर रही है और वो सेंटर वैल्यू कितनी डाइवर्ट कर रही है ये सेंटर वैल्यू मतलब मीन वगैरह के करीब आ रही है या नहीं उस सबको स्टडी करने के लिए हमें मैयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को डिस्कस करना पड़ता है अगर हम देख लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्टेटिकल एवरेज इसमें क्या है रियोड रिग्रोसिवली डिफाइंड बेस ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन मेड जो इतनी भी ऑब्जर्वेशन उन सब पे बेस कर रहे सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू इंटरप्रेट कि उसे इम्प्लाई uh, करना आसान हो अंडरस्टैंड करना उसे ईजी हो क्विकली एंड ईजीली कैलकुलेट बहुत आसानी से और आसानी से और जल्दी से कैलकुलेट हो जाए एम एम इमेमेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और उसके ऊपर मैं मैथ का कोई भी ट्रीटमेंट अपलाई करना आसान हो रेलेटिवली स्टेबल इन रिपीटिड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट में वो रिपीटडली स्टेबल हो नॉट एनली इंफ्लुएंस बाय नॉर्मली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशन मतलब कोई वैल्यू अगर बहुत लार्ज या बहुत सम्मॉल हो तो उससे उस पर इफेक्ट ना हो टाइप ऑफ फेवरिज क्या है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवडिज आर थ्री अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन जिसे कहते हैं सेकेंड है जियोमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन और उसके अलावा द मीडियन और मोड ये इसकी थ्री टाइप है सबसे पहले हम देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन में द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज द मोस्ट फैमिलियर एवरेज ये सबसे मोस्ट फैमिलियर एवरेज है इसमें क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज़ को एड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज हो उन पर डिवाइड कर देते हैं द मीन मेक कॉरेस्पॉन्ड टू इधर अ पॉपुलेशन और साम्पल ऑफ द पॉपुलेशन इफ़ द गिवन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन द मीन इज कॉल्ड पॉपुलेशन मीन अगर वो जो सेट हो वो पॉपुलेशन के को शो करें तो वो पॉपुलेशन मीन होता है और इसे कैसे शो किया जाता है म्यू से द पॉपुलेशन मीन ऑफ द सेट एन ऑब्जर्वेशन आर एक्स वन एक्स टू अपू एक्स एन और इसमें क्या करेंगे म्यू इक्वल टू आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपू सोन एक्स एन ओवर कैपिटल एंड कैपिटल एंड बोला जितने नंबर ऑफ वैलीजों और यह क्या समीशन एक्स आई मतलब तमाम वैली का सम डिडेड एन इट इफ इंस्टीट्यूट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट अ साम्पल द मीन इज कॉल साम्पल मीन अगर वो साम्पल को शो करें तो साम्पल मीन और उसके लिए क्या करेंगे सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसे स्मॉल नंबर मतलब साम्पल के नंबर साइज पे डिवाइड कर देंगे और इसमें क्या है इट इज वर्थ वाइल द नोट पॉपुलेशन मीन इज फिक्स क्वानिटिटी जो पॉपुलेशन वाला मीन होता है वो फिक्स क्वान्टिटी होती है वेयर एज एक्स द सांपल मीन इज द वेरिएबल क्वान्टिटी कि कोई और सांपल चूज करेंगे तो उसका मीन और आएगा एक इग्सप्पल का कुछ मीन आ सकता है दूसरे इग्सप्पल का कोई और वैल्यू डिफरेंट होने के डिफरेंट मीन आ सकता है सम एक्साइज स्टैंड द टोटल मार्क ऑप्टेन बाय यूज बाय ऑल स्टूडेंट एक्स बार द मीन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मार्क्स देर शुड भी ओप्टेन बाई ईच स्टूडेंट इफ एवरी क्लास हैज़ ओपटेन द सेम नंबर ऑफ मार्क्स अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं फोर्टी फाइव है थर्टी टू है थर्टी सेवन है फोर्टी सिक्स थर्टी नाइन सिक्सटी वन एंड सोवन ये सब वैल्यूज़ को हमने नीचे इनका जब समीशन फाइंड आउट करना है साम्पल मीन तो एक्स बार इक्वल टू आएगा सम एक्स ओवर एन इन सब वैल्यूज़ को एड करेंगे और यह टोटल कितनी है नाइन स्टूडेंट की वैल्यूज़ हैं तो नाइन पर डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा फोर्टी द वेट इड एवरीज मीन इसमें क्या है द हैल्टीप्ले मल्टीपाइर और अ सेट ऑफ नंबर विच एक्सप्रेस मोर और लेस इक्वेटली द रेलिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिज ऑब्जर्वेशन इन द सेट ऑफ डाटा टेक्निकली कार्ड वेट कि जब हम वेट में जब डाटा दिया जाए तो फिर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन अप टू सोन और उनको उनके एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर उन्हें उसका फॉर्मूला बनता है कि सम एक्स आई डब्ल्यू आई मतलब हर एक्स वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और हम टोटल कर देंगे उनके वेट के सम पर जैसे सम एक्स आई डब्ल्यू आई ओवर सम डब्ल्यू आई और इसे ये इसका वेट इन रिथमेटिक मीन आ जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर है और उनका वेट दिया गया फूड रेंट क्लोथ फ्यूल एंड लाइट और अदर आइटम का अब हम क्या करेंगे हमारे पास एक्स आई गी वन है डब्ल्यू आई भी गिवन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे हर वै, एक्स वैल्य वैल्य की वैल्यू को डब्ल्यू आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका सम का लेंगे सम एक्स आई डब्ल्यू आई ओवर सम डब्ल्यू आई और इसका आंसर आएगा टू जीरो थ्री पॉइंट फोर प्रॉपर्टी ऑफ मीन क्या है मीन है फोर फर्स्ट है फोर अ सेट ऑफ डाटा द सम ऑफ डेडिवेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन टेकन विद देयर प्रॉपर साइन इज इक्वल टू जीरो अच्छा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेडिवेशन में क्या है सम एक्स आई माइनस एक्स बार और ये, इसे सम को अंदर अप्लाई करेंगे तो सम एक्स आई आ जाएगा माइनस एन एक्स बार आ जाएगा और सम एक्स आई माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा द सम ऑफ स्केयर डेरीवेशन ऑफ एक्स एक्स फ्रॉम द मीन इज द मिनिमम ये क्या करेंगे सम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर करेंगे लेस दैन इक्वल टू सम एक्स आई माइनस ए बार स्केयर अब हम क्या करेंगे फार्मूला में एक्स पावर एक्स एड भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे फिर स्केयर को आप उप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर प्लस टू एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस ए प्लस एक्स आई माइनस ए होल स्केयर आ जाएगा फिर ये क्या है इनमें जो है सम एक्स आई माइनस एक्स बार वो इक्वल टू ज़ीरो है देन वैल्यू हमारी रह जाएगी और टू वाले पार्ट खत्म हो जाएगा सम एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर प्लस एन एक्स बार माइनस ए स्केयर रह जाएगा और एक्स बार सम एक्स आई माइनस ए स्केयर ग्रेटर देन है सम एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर से ओके okay, देन हम uh, करने हैं इफ़ दस के सब ग्रुप ऑफ द डाटा कॉन्सिट्यूट एन वन एन टू अप टू सोन और एक्स मीन एक्स वन एक्स टू एक्स एन अपू सोन है देन uh, uh, हम करेंगे एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अप टू सोन एन एक्स एन के एक्स के बार देन एन वन प्लस एन टू अपू सोन समय ओवर एन ये इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे देन है इफ़ वाई आई इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी आई इक्वल टू वन इन टू वन टू थ्री फोर अप टू एन वे आर ए एंड बी आर टू नंबर देन एज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी यहाँ पे है सम वाई आई इक्वल टू ए सम एक्स आई प्लस एन बी और ये किसके बारे है मीन वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी यहाँ पर एग्जाम्पल भी है सेक्शन है एबीसी नंबर ऑफ बॉयज हैं फोर्टी थर्टी सेवन फोर्टी थ्री और मीन हाइट है सिक्सटी सिक्सटी टू फिफ्टी एट और वन यहाँ क्या करेंगे एन वन और एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस एक्स एन थ्री एक्स थ्री बार ओवर एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री करेंगे हर वैल्यू को एन वन की वैल्यू को एक्स वन बार से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे टोटल पे डिवाइड करके सिक्सटी आंसर आ जाएगा मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा पहले हमने जो देखा वो सिंपल डाटा के लिए दिया है अब हम ग्रुप डाटा के लिए देखेंगे वेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज द डाटा आर ऑब्जर्व इन टू आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इट इज़ कैलकुलेट टू अप्रोसीमेट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेयरमेंट एज आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या करेंगे हर फ्रीक्वेंसी को उसकी एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उन्हें ऐड कर लेंगे फिर टोटल फ्रीक्वेंसी में हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करके उस पर डिवाइड कर देंगे इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पे वेट है सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है एन आई है एफ आई है मीन वेट ऑफ ईच क्लास है फिर हम क्या करेंगे हर एफ आई की वैल्यू को उसके मीन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे मिड पॉइंट से हर एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में मिड पॉइंट एफ आई और एक्स आई कर देंगे पहले हमने मीन की वैल्यू से हर पॉइंट को मल्टीप्लाई किया फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट किए हैं उससे हर वैल्यू एफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और सम एक्स आई ओवर एन ये सिंपल के लिए सम एफ आई एक्स बार आई ओवर एन ये ग्रुप डाटा के लिए एन इसमें सम एफ को शो कर रहा है इसी तरह से हमने नीचे भी एक्स बार इक्वल टू सम एफ वाई एक्स वाई ओवर एन इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे चेंज ऑफ रीजन या स्केल अगर हम रीजन को चेंज कर दें फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा टू रिड्यूस द कंपिटिशनल लेबर एंड टू सेव टाइम वो चेंज ऑफ रीजन योर स्केल कैन बी मेड इफ एक्स आई डिनोट आर ऑब्जर्व वैल्यू ए एंड बी आर टू कॉन्सटेंट देन द ऑपरेशन एक्स आई प्लस ए बी आई बी एक्स आई एन बी एक्स आई प्लस ए वो है चेंज ऑफ रीजन को शो कर रहे हैं यहाँ पे ए एक ऑर्बिटेडी नंबर है उसे कहते हैं ज्यूम मीन यहाँ पे एक्स आई इक्वल टू है ए प्लस एच यू आई यू आई किसकी इक्वल आएगा एक्स आई माइनस ए ओवर एच यहाँ पे अब हमने देख लिया वन ओवर एन सम ए प्लस एच यू आई और यहाँ पे एन आई से मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एच यू आई यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं हम वेटेड हैं उनके मीड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एफ आई फाइंड आउट करेंगे फिर जो इनमें

और इसके वन टू टू पॉइंट फाइव ग्राम आएगा फिर हर वैल्यू को उसके मीन की वैल्यू से मल्टी माइनस करेंगे तो यू, यू, यू आई की वैल्यू आएंगी इस फॉर्मूला में पुट करके इसके अकॉर्डिंग जो यू आई इक्वल टू तो एक्स आई माइनस वन वन फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेंटी है ये ये जो वन वन फोर पॉइंट फाइव है ये इसका मीन वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे यू की वैल्यू आएगी फिर हर यू की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला में मीन की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे वन वन फोर पॉइंट फाइव फिर प्लस ट्वेंटी और ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर ओवर सिक्सटी करेंगे इससे सॉल्व करेंगे वन टू टू पॉइंट फाइव ग्राम इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पर डेथ रेट है और फ्रीक्वेंसी है डेथ रेट भी दिया गया, गया। उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे यू आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस एट पॉइंट नाइन फाइव हर वैल्यू को एट पॉइंट नाइन फाइव से माइनस करेंगे और फिर एफ आई को एग यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम यहाँ क्या करेंगे जो इसकी एफ आई यू आई ओवर एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू इसकी आंसर आया है माइनस टू और यहाँ पे डिवाइडेड बाय एटी एट वो एन की वैल्यू आ गई प्लम मीन ए की जगह पर एट पॉइंट नाइन फाइव आया आंसर आएगा एट पॉइंट नाइन थ्री और अच्छा फिर जियोमेट्रिक मीन जियोमेटिक मीन में क्या है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक्स वन एक्स टू दी गई है पॉजिटिव वैल्यू है इसका जी इक्वल टू है अंडर रूड एक्स वन एक्स ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और एन जितना आएगा उसके ऊपर uh, उससे डिवाइड हो जाएगा वेन एन लार्ज द कंपिटिशन ऑफ द जियोमेटिक मीन बिकेम लेबर एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यू एंड एग्जैट द एन रूट द रिथमेटिक सिंपलीफाई बाई यूजिंग लोग रिथम टू द बेस टेन यहाँ पे टेन के लोग लेंगे लोग जी इक्वल टू है वन बाई एन लोग एक्स वन प्लस लोग एक्स टू प्लस अप टू सोन लोग एक्स एन यहाँ पे वन बाई एन लोग एक्स आई आ जाएगा जब हम इसका एंटी लोग लेंगे फिर वन बाई एन लोग एक्स आई आ जाएगा यहाँ पे यह डाटा है यहाँ पे एफ वन एफ टू अपू सोन एफ के तक दिया गया है जी में जब ग्रुप डाटा का के के केस हो तो एक्स वन एफ उसकी पावर में एफ़ वन आएगा एक्स टू पावर में एफ़ टू आएगा एक्स के पावर में एफ़ के आएगा वन बाई एन जब लोग लेंगे तो वन बाई एन स्टार्ट में आ जाएगा एफ़ वन लोग एक्स वन प्लस एफ टू लोग एक्स टू अपू सोन एफ के लोग एक्स के आ जाएगा यहाँ पर जब वन बाई एन लेंगे समीक्षण के साथ आ जाएगा एफ वाई लोग एक्स आई जब एंटी लोग लेंगे वन बाई एन सम एफ वाई लोग एक्स आई आ जाएगा इसमें क्या है लोग डब्ल्यू इसका जी इक्वल टू है वन बाई डब्ल्यू आई ये वेटिड वेटेड जियोमेटिक मीन में, में वी आएगा वी आई डब्ल्यू आई लोग एक्स आई आ जाएगा यहाँ पे एग्जांपल है उसके अंदर डाटा दिया गया इनको मल्टीप्लाई जो पर वैल्यूज थी इनको मल्टीप्लाई किया नाइन थी एन की जगह पर पावर में नाइन आ जाएगा वन बाई नाइन स्टार्ट में आ जाएगा लोक फोर्टी प्लस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब लोग लेंगे तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी फिर लोक थर्टी प्लस लोक थर्टी प्लस लोक फोर्टी अप टू सोन फिर यहाँ पे इन सब वैल्यू को आंसर को सम करेंगे फिर यहाँ पे एंटीलोग लेके इस वैल्यू का लेंगे तो आंसर आएगा थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स एट एक और एग्जांपल है यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं एक्स इनका मेन फाइंड आउट करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है फ्रीक्वेंसी को और हर लोग, लोग एक्स ही लेंगे हर वैल्यू का लोग लेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे एफ़ की वैल्यू से लोग की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इनको टोटल करेंगे तो टू पॉइंट जीरो, जीरो सेवन एट आ जाएगा फिर जब एंटी लोग लेंगे तो वन वन सेवन पॉइंट सेवन आ जाएगा थैंक यू सो मच कैंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इफॉर्मेटिव